नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके एलएटी कोचिंग में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी एमईएस भर्ती के बारे में। एमईएस में स्टोरकीपर, स्टेनो, एलडीसी, वॉचमैन, सीएमडी आदि बहुत से पदों पर यह भर्ती आने वाली है और साथ में आपके सुपरवाइजर और ड्राफ्टमैन का डीवी ईमेल आ चुका है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखते रहिए। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हमारे चैनल पर आर्मी ऑफ फ्लेम फार्म से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपकी एमईएस में सुपरवाइजर और ड्राफ्टमैन की वैकेंसी निकली थी, उसका एग्ज़ाम रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और इससे रिलेटेड एक न्यूज़ और आई है। इसमें आप देख सकते हो एमईएस ड्राफ्टमैन और सुपरवाइज़र के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो चुकी है, लेकिन कई बच्चों के जैसे उन्होंने फॉर्म भरा था तब उन्होंने EWS और OBC का स्टेट का सर्टिफिकेट लगाया था, अब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनके गलती कर दी है। इसमें आप देख सकते हो यह एक ईमेल आया है सुपरवाइज़र और ड्राफ्टमैन के लिए ईमेल रहने वाला है। उन्होंने फॉर्म भरते समय EWS स्टेट का लगा दिया था, लेकिन इस भर्ती में सेंटर का EWS और OBC सर्टिफिकेट मांगा है। इसमें आप देख सकते हो सुपरवाइज़र और ड्राफ्टमैन के लिए ईमेल आया है उनको। इसमें नीचे आप देख सकते हो इनको 28 फरवरी को रिपोर्ट करनी होगी। सुपरवाइज़र और ड्राफ्टमैन का डीवी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कई बच्चों ने EWS का सर्टिफिकेट स्टेट का लगा दिया था। इस भर्ती में EWS और OBC केवल सेंटर का ही वैलिड होगा, आपका का सर्टिफिकेट सेंटर का ही वैलिड होगा, इसलिए इन्होंने इसमें आप देख सकते हो इनके पास ईमेल गया है कि आपको 28 फरवरी को हेडक्वार्टर इंजीनियर पुणे सेंटर इसमें रिपोर्ट करनी होगी। 28 फरवरी को आपको सेंटर पर रिपोर्ट करनी होगी, आपको अपना सेंटर का EWS और जिन बच्चों ने OBC से अप्लाई किया तो उनको सेंटर का OBC सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। इसमें आप देख सकते हो यह सुपरवाइज़र और ड्राफ्टमैन का इसमें आप देख सकते हो ईमेल आने स्टार्ट हो चुके हैं और यह भर्ती आपकी मार्च में कम्प्लीट करा दी जाएगी। मार्च में सुपरवाइज़र और ड्राफ्टमैन की ज्वाइनिंग कम्प्लीट करा दी जाएगी और MES की नई वैकेंसी आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी। नीचे आप देख सकते हो इस भर्ती के बारे में हमने आपको सबसे पहले बता दिया था। यह नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, हमने आपको पहले ही इस नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया था। आपकी वैकेंसी 3853 वैकेंसी अप्रूव कर दी गई है। इसमें आप देख सकते हो आपकी 3853 वैकेंसी अप्रूव कर दी है। आपकी ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। स्टोरकीपर, स्टेनो, LDC, UDC इनमें 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। CMD में हैवी लसेस वाले अप्लाई कर सकते हैं। PN चौकीदार सिपाही वाला, बाकी में सिंपल 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से पहले आपको इसका शॉर्ट नोटिस देखने को मिलेगा। इसमें 10वीं पास, 12वीं पास और ITI वाले की वैकेंसी आपको अप्रैल में देखने को मिलेगी। इस वैकेंसी को अप्रूव कर दिया गया है, अप्रैल में आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जो MES की सुपरवाइज़र और ड्राफ्टमैन की वैकेंसी आई थी उसकी ज्वाइनिंग मार्च में करा दी जाएगी और नई वैकेंसी आपको अप्रैल में देखने को मिलेगी। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया था। यह नोटिस कई ग्रुप में वायरल भी हो चुका था। यदि आपका इस भर्ती रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। 10वीं 12वीं और ITI बेस पर आपको MES की नई वैकेंसी 100% देखने को मिलेगी। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सभी ऑफलाइन फॉर्म की PDF मिलती रहेगी। यदि आपका इस भर्ती से रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। जय हिंद।